हेलो फ्रेंड्स, एग्जामपुर 91 में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, चलिए आज हम लोग सचिन सर के नोट्स का सीटेट का अंतिम पार्ट है। दोस्तों, पार्ट 9 भी अंतिम था दोस्तों, लेकिन कुछ टेक्निकल खराबी के कारण वीडियो 20 से 22 मिनट में ही कट गया, इसलिए पार्ट एपिसोड 10 बनाया जा रहा है। दोस्तों, ये EBS का पेपर 1 के लिए अंतिम पार्ट है ये। दोस्तों, इसके बाद आपके सचिन सर के नोट्स में EBS का एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ा गया है दोस्तों, जो आज तक प्रीवियस ईयर्स में पूछा गया है। दोस्तों, जो भाई एवं बहन नहीं देखे होंगे पिछला पार्ट, आप लोग जाके प्लेलिस्ट में पीछे वाला पार्ट देखिए और रिवाइज कीजिए फास्टली। दोस्तों, सब जितना भी पार्ट है सब 100 का पार्ट है, एक पार्ट ही कम का है दोस्तों। और आज जो बन रहा पार्ट 10 दोस्तों, ये थोड़ा जितना भी क्वेश्चन है पूरा समेट देंगे इसमें। दोस्तों, आप लोग को अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों, और अपने दोस्तों को भी बताइएगा। सचिन सर के नोट्स पूरा इस पर बताया गया इस चैनल पे। वीडियो अच्छा लगे दोस्तों तो अपने दोस्तों को भी कहिएगा, शेयर कीजिए करें अपने दोस्तों के पास और चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए दोस्तों, आगे हम बताते हैं आपको। स्थानों, दूरियों और दिशाओं की सापेक्ष स्थिति को समझने की क्षमता क्या कहलाती है दोस्तों? इधर दो ये ऑप्शन दिया है इसमें दोस्तों, इधर देखिए चित्रण कौशल कहलाती है। द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड एंड रिलेटिव पोजिशन ऑफ प्लेस डिस्टेंस एंड डायरेक्शन इज चित्रण कौशल। दोस्तों, एक ऐसी वस्तु जिसमें कोई प्रकाश किरण गुजर नहीं सकती कहलाती है अपारदर्शी। दोस्तों, एक ऐसी वस्तु जिसमें से कोई प्रकाश नहीं गुजर नहीं सकती कहलाती है अपारदर्शी। दोस्तों, आपका आपातकालीन परिस्थितियों के बारे में बात करने के लिए बच्चों के अनुभव पूछे जब उन्हें कभी आपात स्थिति का सामना करना पड़ा, बच्चों ने आग, बिजली के झटके और सड़क दुर्घटना के साथ अपने अनुभव सुनाए। उन्होंने प्रश्न पूछे, उनकी मौजूदा समझ का आकलन किया और समाचार पत्रों से सड़क सुरक्षा विज्ञापनों जैसे संसाधनों का उपयोग करके सुरक्षा पहलुओं पर चर्चा की और क्रमशः आग और बिजली के झटके पर सुरक्षा दिशा निर्देशों पर चर्चा के लिए LPG और इलेक्ट्रिक बिल का इस्तेमाल किया। प्रिया द्वारा अपनाया गया सबसे उपयुक्त दृष्टिकोण कौन सा है दोस्तों? अन्वेषण दृष्टिकोण है। कौन सा? अन्वेषण दृष्टिकोण है दोस्तों। पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम बच्चों की समग्र शिक्षा का कारण बन सकता है यदि वह ये सभी हो दोस्तों, विषयगत, एकीकृत और समावेशी। पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम बच्चों की समग्र शिक्षा का कारण बन सकता है यदि वह विषयगत, एकीकृत और समावेशी हो। दोस्तों, चिराव नाच कहाँ के लोग करते हैं? मिजोरम के। दोस्तों, चिराव नाच कहाँ के लोग करते हैं? मिजोरम के। बच्चों को पर्यावरण अध्ययन को सीखने के लिए खोजने के द्वारा पर्याप्त समय दिया जाता है, यह इंगित करता है कि पर्यावरण अध्ययन बाल केंद्रित है। क्या इंगित करता है दोस्तों? पर्यावरण अध्ययन बाल केंद्रित है। बच्चों को पर्यावरण अध्ययन को सीखने के लिए खोजने के द्वारा पर्याप्त समय दिए जाते हैं, यह इंगित करता है कि पर्यावरण अध्ययन बाल केंद्रित है। पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के द्वारा बच्चों को जानवरों का अवलोकन और उनका चित्रण बनाने को प्रेरित करने का उद्देश्य है दोस्तों। बच्चे में सृजनात्मक का विकास करना, फिर बच्चों को अवलोकन और रचना कौशल का विकास करना दोस्तों, फिर बच्चों में सौंदर्य संवेदना का विकास करना। फिर से देखिए दोस्तों, पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के द्वारा बच्चों को जानवरों का अवलोकन और चित्रण और उनका चित्र बनाने को प्रेरित करने का उद्देश्य है। बच्चों का सृजनात्मक का विकास करना, बच्चों में अवलोकन और रचना कौशल का विकास करना, बच्चों में सौंदर्यगत संवेदन का विकास करना। किसको पर्यावरण अध्ययन में बच्चों के आकलन में दूर चाहिए? आकलन में दूर करना चाहिए। देखिए दोस्तों, बच्चों के उत्तरों को सही या गलत रूप से आंकना चाहिए। किसको पर्यावरण अध्ययन में बच्चों के आकलन में दूर करना चाहिए? बच्चों के उत्तरों को सही या गलत रूप में आंकना चाहिए। घरों के नीचे दिए गए विवरणों पर विचार कीजिए। राजस्थान में गांव के लोग मिट्टी के घरों जिनकी छतें कंटीली झाड़ियों से होती है में रहते हैं। सॉरी दोस्तों, घरों के नीचे विवरण का विचार कीजिए तो ए और सी सही है दोस्तों।
राजस्थान में गांव के लोग मिट्टी के घरों में जिनकी छतें कंटीली झाड़ियों की होती है में रहते हैं। फिर लेह में पत्थर के 2 मंजिले घर बनाए जाते हैं। नीचे की मंजिल पर जरूरत का सामान और जानवर को रखते हैं। सालनी ने कक्षा 4 के विद्यार्थियों को विज्ञान केंद्र दिखाने के लिए शैक्षणिक भ्रमण की योजना बनाई। नीचे दिए गए कौन से सामान्य निर्देश इस भ्रमण के लिए अपर प्रासंगिक है दोस्तों? अपना दिन भर का पूरा व्यस्त लेकर आना। फिर से देखिए दोस्तों, सालने ने कक्षा 4 के विद्यार्थियों को विज्ञान केंद्र दिखाने के लिए शैक्षणिक भ्रमण की योजना बनाई। नीचे दिए कौन सा सामान्य निर्देश इस भ्रमण के लिए अप्रासंगिक है? अपना दिन भर का पूरा बस्ता लेकर आना। ईवीएस की पढ़ाई में कक्षा में प्रश्नोत्तर तकनीक का सबसे अच्छा उपयोग किसके लिए किया जा सकता है? शिक्षार्थियों में सीखने की जिज्ञासा उत्पन्न करने के लिए दोस्तों। ईवीएस की पढ़ाई में कक्षा में प्रश्नोत्तर तकनीक को सबसे अच्छा उपयोग किसके लिए किया जा सकता है? शिक्षार्थियों में सीखने की जिज्ञासा उत्पन्न करने के लिए दोस्तों। ईवीएस कक्षा में सामाजिक असमानताओं पर अधिक बल देने के लिए निम्नलिखित में कौन सा अधिक प्रभावी अधिगम अनुभव होगा? विद्यार्थियों से समूह परियोजनाओं का भार अपने ऊपर लेने के लिए कहना दोस्तों। फिर से देखिए दोस्तों, ईवीएस कक्षा में सामाजिक असमानताओं पर अधिक बल देने के लिए निम्नलिखित में कौन सा अधिक प्रभावी अधिगम अनुभव होगा? विद्यार्थियों से समूह परियोजनाओं का भार अपने ऊपर लेने के लिए कहना दोस्तों। भैंस की पीठ पर अक्सर बुगला इग्रेट पक्षी बैठा दिखाई देता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बुगला भैंस की पीठ पर परजीवी कीट खाता है। भैंस की पीठ पर अक्सर बुगला इग्रेट पक्षी बैठा दिखाई देता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बुगला भैंस की पीठ पर परजीवी कीट खाता है। दुर्गा एक गांव में रहती है और लकड़ी या गोबर के उपले का ईंधन इस्तेमाल करते हुए चूल्हे पर खाना पकाती है। तो पिछले 3 महीने से उसे तेजी से खांसी आ रही है। इसका कारण हो सकता है दोस्तों जलते हुए ईंधन से उत्पादित काला धुआं जो उसकी श्वसन नली में जमा हो गया होगा। फिर से देखिए दोस्तों, दुर्गा एक गांव में रहती है और लकड़ी या गोबर के उपले को ईंधन इस्तेमाल करती है। चूल्हे पर खाना पकाती है। पिछले 3 महीने से उसे तेज खांसी आ रही है। इसका कारण हो सकता है जलते हुए ईंधन से उत्पादित कला धुआं जो इसकी श्वसन नली में जमा हो गया होगा। टूटता तारा उल्का है दोस्तों, उल्का जो पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते ही आग पकड़ लेते हैं। टूटता तारा उल्का है, उल्का जो पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते ही आग पकड़ लेते हैं। रक्त की जांच द्वारा किसकी उपस्थिति में मलेरिया की पहचान होती है? लाल रक्त कोशिकाओं में मलेरिया परजीवी प्लाज्मोडिया में दोस्तों। रक्त की जांच द्वारा किसकी उपस्थिति में मलेरिया की पहचान होती है? लाल रक्त कोशिकाओं में मलेरिया परजीवी प्लाज्मोडिया में दोस्तों। एक प्राथमिक स्तर के अध्यापिका जलाभाव के विषय पर अपने कक्षा 4 के बच्चों को प्रभावपूर्ण तरीके से किस प्रकार अकेली आंकेगी दोस्तों? यह पता करके कि उन्होंने अपने दैनिक जीवन में जल की बचत कैसे प्रारंभ की। एक प्राथमिक स्तर के अध्यापिका जलाभाव के विषय पर अपने कक्षा 4 के बच्चों को प्रभावपूर्ण तरीके से किस प्रकार आंकेगी? यह पता करके कि उन्होंने अपने दैनिक जीवन में जल की बचत कैसे प्रारंभ की। कांसा ब्रोंज में बारे में निम्नलिखित कथनों पर अध्ययन कीजिए, बी और सी दोस्तों। इसे भट्टी में कॉपर और टीन पिघलाकर बनाया जाता है और आदिवासी लोग ब्रोंज का उपयोग हजारों वर्ष से कर रहे हैं। मिजोरम में की जाने वाली झूम खेती के विषय में कौन सा अध्ययन कीजिए दोस्तों? इस एक फसल को काटने के पश्चात भूमि को कुछ वर्षों तक खुला छोड़ दें और इस भूमि पर उगने वाले बांस और खरपतवार को काटकर जला दिया जाता है और एक ही खेत में 3-4 भिन्न भिन्न प्रकार की फसलें उगाई जाती है दोस्तों। फिर से एक बार देखिए दोस्तों कि मिजोरम में की जाने वाली खेती झूम खेती के विषय में कथनों का अध्ययन कीजिए। एक फसल को काटने के पश्चात भूमि को कुछ वर्षों तक खुला छोड़ देते हैं। फिर है दोस्तों, इस भूमि पर उगने वाले बांस और खरपतवार को काटकर जला दिया जाता है और एक एक ही खेत में 3 से 4 भिन्न भिन्न प्रकार की फसलें उगाई जाती हैं।
कोई कोई उर्वरक की कोई किसान उर्वरकों और कीटनाशकों का अधिक उपयोग करके अपने खेतों में बार बार धान की फसल उगा रहा है। ऐसा करने से उसके खेतों की मृदा बंजर हो जाएगी। दोस्तों, कोई किसान उर्वरकों और कीटनाशकों को अधिक उपयोग करके अपने खेतों में बार बार धान की फसल उगा रहा है। ऐसा करने से उसके खेतों में मृदा बंजर हो जाएगी। नई दिल्ली में रहने वाला कोई व्यक्ति अब पहले भोपाल, मध्य प्रदेश और फिर रांची, झारखंड का भ्रमण करना चाहता है। उसकी यात्रा की दिशा होगी पहले दोस्तों दक्षिण दिशा में और पूर्व दिशा में। दोस्तों, नई दिल्ली में रहने वाले कोई व्यक्ति पहले भोपाल, मध्य प्रदेश और फिर रांची, झारखंड का भ्रमण करना चाहते हैं। उसकी यात्रा की दिशा होगी पहले दक्षिण दिशा और फिर पूर्व दिशा में। दोस्तों, पर्यावरण अध्ययन में बच्चे शिल्प कला और चित्रकला को समूह में सीखना और विशेष रूप से पसंद करते हैं क्योंकि यह सहपाठी अधिगम को बढ़ावा देता है, यह सामाजिक अधिगम को बेहतर बनाता है और जब बच्चे बच्चे की सृजनात्मकता की प्रशंसा की जाती है तो वे खुश होते हैं और उसके प्रति प्रेरित भी होते हैं। फिर से देखिए एक बार दोस्तों, पर्यावरण अध्ययन में बच्चे शिल्पकला और चित्रकला को समूह में सीखना विशेष रूप से पसंद करते हैं क्योंकि यह सहपाठी अधिगम को बढ़ावा देती देता है, यह सामाजिक अधिगम को बेहतर बनाता है। जब बच्चे को सृजनात्मक की प्रशंसा की जाती है तो वे खुश होते हैं और उसके प्रति प्रेरित होते हैं। बंगला भैंस पर बैठता है क्योंकि बगुला तथा भैंस में सहजीवी का संबंध है। दोस्तों, बगुला भैंस पर बैठता है क्योंकि बगुला तथा भैंस में सहजीवी का संबंध है। तमिलनाडु के निकटवर्ती सीमा समीपवर्ती राज्य है दोस्तों केरल, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। तमिलनाडु के निकटवर्ती समीपवर्ती राज्य हैं केरल, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। दोस्तों, प्राथमिक कक्षाओं में पर्यावरण अध्ययन को सिखाने और सीखने में कहानियों एक महत्वपूर्ण पहलू है। पर्यावरण अध्ययन के कक्षा कक्ष में कहानी सुनाने को शिक्षण कौशल के रूप में सम्मिलित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सबसे कम उपयुक्त कारण है? दोस्तों, कहानियों कक्षा प्रबंध में सहायता करती है। कहानियां कक्षा प्रबंध में सहायता करती है। दोस्तों, वायु हर जगह है। प्रकरण पर पढ़ाते समय एक शिक्षक विद्यार्थियों से निम्नलिखित प्रश्न पूछता है कि क्या हमारी हड्डियों में वायु है? वायु हर जगह है। प्रकरण पर पढ़ाते समय एक शिक्षक विद्यार्थियों से निम्नलिखित प्रश्न पूछता है, क्या हमारी हड्डियों में वायु है? शिक्षार्थी विद्यार्थियों को निम्नलिखित में कौन से कौशल विकसित करने का प्रयास कर रही है? संवेगात्मक कौशल, क्या अवलोकन कौशल कर रही है? दोस्तों, फिर से एक बार देखते हैं। वायु हर जगह प्रकरण पर पढ़ाते समय एक शिक्षक विद्यार्थियों को निम्नलिखित प्रश्न पूछता है, क्या मृदा में वायु है? क्या पानी के अंदर वायु है? क्या हमारे शरीर में वायु है? क्या हमारी हड्डी में वायु है? शिक्षक शिक्षार्थियों में निम्नलिखित में कौन सा कौशल विकसित करने का प्रयास कर रहा है? अवलोकन कौशल। दोस्तों, जूही की माँ डैश के लिए रोजाना तालाब में लाए पानी को फिटकरी डालती है। तालाब से लाए पानी में फिटकरी डालती है दोस्तों, हल्के निलंबित अपधर्मों को अपसादित करके। जूही कुमार डैश के लिए रोजाना तालाब से लाए पानी में फिटकरी डालते हैं, हल्के निलंबित अपधर्मों को अपसादित करने से। दोस्तों, आंचल एक पोस्टर पर एक बीमारी की रोकथाम से संबंधित निम्नलिखित सावधानियां पढ़ती है, डेंगू और जापानी मस्तिष्क ज्वर है। दोस्तों, फिर से देखिए दोस्तों, आंचल एक पोस्टर पर एक बीमारी की रोकथाम से संबंधित निम्नलिखित सावधानियां पढ़ती है, अपने आसपास पानी को जमा न होने दें, पानी के बर्तन कूलरों और टंकियों को साफ रखें, यदि कुछ जगहों पर पानी इकट्ठा हो जाता है तो तेल का छिड़काव करें, और स्वयं से बचाव के लिए जाली का प्रयोग करें। पोस्टर का उद्देश्य डैश के फैलने के बारे में जागरूकता पैदा करता है, डेंगू और जापानी मस्तिष्क ज्वर। दोस्तों, एक कक्षा में औसत से कम वाले 4 विद्यार्थी हैं और उन्हें अन्य विद्यार्थियों के समान सामान लाने के लिए निम्नलिखित में कौन सी व्यूह रचना सबसे प्रभावी होगी?
उनके अधिगम के कमजोर क्षेत्रों की पहचान करना और अनुसार सुधारात्मक उपाय उपलब्ध कराना। दोस्तों ये कक्षा में औसत से कम वाले 4 विद्यार्थी हैं और उन्हें अन्य विद्यार्थियों के समान लाने के लिए निम्नलिखित में कौन सा व्यूह रचना सबसे प्रभावी होगी। उनके अधिगम के कमजोर क्षेत्रों की पहचान करना और उनके अनुसार सुधारात्मक उपाय उपलब्ध कराना। दोस्तों निदान के पश्चात कोई डॉक्टर रोगी से यह कहता है कि उसके खून में हीमोग्लोबिन की कमी है, तो उस रोगी को आयरन की कमी को पूरा करने के लिए क्या क्या खाना चाहिए। आंवला, हरी पत्ती, सब्जियां, गुड़। दोस्तों निदान के पश्चात कोई डॉक्टर रोगी से यह कहता है कि उसके खून में हीमोग्लोबिन की कमी है, तो इस रोगी को आयरन की कमी को पूरा करने के लिए क्या क्या खाना चाहिए। आंवला, हरी पत्तेदार सब्जियां, गुड़। दोस्तों इकरा अपने शिक्षार्थियों को EBS में समाचार पत्रों और पत्रिकाओं को पढ़ने के लिए क्यों प्रोत्साहित करती है। ये शिक्षार्थियों को उनके अपने संसार से जुड़ने में सहायता करती है। इकरा अपने शिक्षार्थियों को EBS में समाचार पत्रों को पत्रिकाओं को पढ़ने के लिए क्यों प्रोत्साहित करती है। ये शिक्षार्थियों को उनके अपने संसार से जुड़ने में सहायता करते हैं। नीचे दिए गए कथन मधुमक्खियों और छतों के विषय में सही नहीं है। छत में बहुत सारी काम करने वाली मधुमक्खियाँ होती है। प्रत्येक छत में एक रानी मक्खियाँ होती है जो अंडे देती है। नर मक्खियाँ छतों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। चलिए दोस्तों एक बार फिर से देखते हैं कौन सा कथन मधुमक्खियों और छतों के विषय में सही नहीं है। छतें में बहुत नहीं है तो नर मक्खियाँ छतों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होती है, ये नहीं है दोस्तों। निम्नलिखित में से पक्षियों का वह समूह चुनिए जिसका प्रत्येक सदस्य हमारी तुलना में 4 गुनी अधिक दूरी की वस्तुओं को स्पष्ट देख सकने योग्य है। बाल, चील और गिद्ध। दोस्तों पक्षियों का वह समूह चुनिए जिसका प्रत्येक सदस्य हमारी तुलना में 4 गुनी अधिक दूरी की वस्तुओं को स्पष्ट देखने सकने योग्य है। बाज है, चील है, गिद्ध है। दोस्तों भारत के मानचित्र में दिल्ली की स्थिति के सापेक्ष गांधीनगर गुजरात की राजधानी और पटना बिहार की राजधानी की दिशात्मक क्रमशः है। दोस्तों दक्षिण पश्चिम और दक्षिण पूर्व। दोस्तों भारत के मानचित्र में दिल्ली की स्थिति के सापेक्ष गांधीनगर गुजरात की राजधानी और पटना बिहार की राजधानी की दिशाएं क्रमशः दक्षिण पश्चिम और दक्षिण पूर्व। दोस्तों पुनित ने अपनी कक्षा 5 के शिक्षार्थियों को मानव शरीर की एक रूपरेखा दी और उन्हें भोजन विषय पढ़ाने से पहले पाचन तंत्र को बनाने को कहा। पुनित चाहता था पाचन संबंधित शिक्षार्थियों के विचारों को प्राप्त करना। फिर से देखिए दोस्तों पुनित ने अपनी कक्षा 5 के शिक्षार्थियों को मानव शरीर की एक रूपरेखा दी और उन्हें भोजन विषय पढ़ाने से पहले पाचन तंत्र को बनाने को कहा। पुनित चाहता था कि पाचन संबंधित शिक्षार्थियों को विचारों को प्राप्त करना। पर्यावरण अध्ययन की एक अच्छी पाठ्यचर्या को बच्चों के प्रति सही, जीवन के प्रति सही और विषय के प्रति सही होना चाहिए। पाठ्यचर्या को निम्नलिखित विशेषताओं में कौन सी उपयुक्त आवश्यकताओं को पूरा नहीं करती। यह शब्दावली और परिभाषाओं पर अधिक बल देती है। पर्यावरण अध्ययन की एक अच्छी पाठ्यचर्या को बच्चों के प्रति सही, जीवन के प्रति सही और विषय के प्रति सही होना चाहिए। पाठचर्या को निम्नलिखित विशेषताओं में कौन सी उपयुक्त आवश्यकताओं को पूरा नहीं करती। या शब्दावली परिभाषाओं पर अधिक बल देती है। प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन में रचनात्मक आकलन डैश को शामिल नहीं करता। शिक्षार्थियों को ग्रेडिंग और रैंकिंग। दोस्तों प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन में रचनात्मक आकलन डैश को शामिल नहीं करता शिक्षार्थियों की ग्रेडिंग और रैंकिंग। दोस्तों माउंट एवरेस्ट एक भाग है नेपाल का। दोस्तों माउंट एवरेस्ट एक भाग है नेपाल का। आदिवासी हजारों साल से पहले से कांसा की चीज़ें बनाते आए हैं। आज भी हमारे घरों में कांसा का उपयोग होता है। कांसा के विषय में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही चुनिए। दोस्तों सही चुनिए, यह तांबे, कॉपर, टीन के मिश्र धातु हैं। दोस्तों मिश्र धातु या मिश्र ने यही बातें की है। दोस्तों कौन सा पेट्रोलियम से क्या प्राप्त नहीं होता। निम्नलिखित में पेट्रोलियम से क्या प्राप्त नहीं होता। कोयला नहीं प्राप्त होता। दोस्तों डीजल, मोम गैस, ग्रीस प्राप्त होता है। पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यक्रम में उप विषयों के स्थान पर थीम को प्रस्तावित किया गया क्योंकि
बच्चों के स्थानीय परिवेश के मुद्दों से जुड़े हुए और अंतर संबंधित समझ के विकास के लिए दोस्तों, पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यक्रम में उप विषयों के स्थान पर थीम का प्रस्तावित किया गया है, क्योंकि बच्चों के स्थानीय परिवेश के मुद्दों से जुड़े हुए और अंतर संबंधित समझ के विकास के लिए दोस्तों। एक शिक्षक हमेशा क्रियाकलापों को कराने के बाद प्रश्नों और चर्चाओं का संचालन करता है। क्रियाकलापों और प्रश्नों और चर्चाओं के संचालन करने का उद्देश्य है दोस्तों, देखिए दोस्तों फिर से, एक शिक्षक हमारे क्रियाकलापों को कराने के बाद प्रश्नों और चर्चाओं के संकलन करता है। क्रियाकलापों प्रश्नों और चर्चाओं के संचालन करने का उद्देश्य है बच्चों के प्रक्रिया कौशल का आकलन, बच्चों को खोजने का अवसर देना, बच्चों को अपना अभिव्यक्ति का अवसर देना, बच्चों को अपनी अभिव्यक्ति का अवसर देना दोस्तों। पर्यावरण अध्ययन के पाठ्य पुस्तक में अभ्यास एवं शिक्षक गतिविधियों को उपलब्ध कराना चाहिए। प्रकरणों में अंतर निर्मित दोस्तों, पर्यावरण अध्ययन के पाठ्य पुस्तकों में अभ्यास एवं शिक्षक गतिविधियों उपलब्ध कराना चाहिए, प्रकरणों में अंतर निर्मित है दोस्तों। डैश के अलावा बच्चों के विकास को आकार देना वाले वातावरणीय कारकों में निम्नलिखित सभी शामिल हैं। शारीरिक गठन दोस्तों, डैश के अलावा बच्चों के विकास को आकार देना वाले वातावरणीय कारकों में निम्नलिखित सभी शामिल, शारीरिक गठन सभी शामिल है दोस्तों। अल्बुनी किस देश से आया था? अफगानिस्तान, उज्बेकिस्तान से अल्बुनी आया था दोस्तों। अल्बुनी किस देश से आया था? उज्बेकिस्तान से दोस्तों। मुस्कान ने परिवहन में डीजल वाहनों का उपयोग निषेध होना चाहिए विषय पर एक वाद विवाद का आयोजन किया। मुस्कान ने द्वारा इस विषय पर कक्षा में वाद विवाद के आयोजन का क्या उद्देश्य है दोस्तों? इस मुद्दे पर छात्रों को कई दृष्टिकोण की सराहना करने में मदद करता है। पर्यावरण अध्ययन में प्रश्न करने को एक युक्ति के रूप में उपयोग किया जाता है। नियमों को ऑप्शन देखिए दोस्तों, नियमों को पालने में बढ़ावा और कक्षा कक्ष में जिज्ञासा को बढ़ाने के लिए दो होगा दोस्तों। पर्यावरण अध्ययन को प्रश्न करने की एक युक्ति के रूप में उपयोग किया जाता है कक्षा कक्ष में जिज्ञासा को बढ़ाने के लिए दोस्तों। आज हम मिर्ची के बिना भोजन की कल्पना भी नहीं कर सकते, क्योंकि इसे व्यापारी हमारे देश में लाए, दक्षिणी अमेरिका के दोस्तों लाए थे। कौन सा भारत का संघ शासित प्रदेश नहीं है? मणिपुर नहीं है दोस्तों। किसने मटर के पौधों के साथ प्रयोग किए और यह पाया कि टमाटर के पौधे में कुछ ऐसे लक्षण होते हैं जो जोड़ियों में पाए जाते हैं, जैसे चिकने या खुरदरे, लंबे बौने, पीले या हरे आदि दोस्तों? ग्रेगर जोन मेंडल दोस्तों किए थे। उपाख्यान अभिलेखों में क्या नहीं दर्ज करना चाहिए? मुख्य रूप से समस्याग्रस्त स्थितियों को पहचान करना, निर्णय वाले कथनों को लिखना, मजबूतियों और कर्मचारियों की पहचान करना, बच्चों की रुचियों और संबंधों आदि की पहचान करना दोस्तों। देखिए दोस्तों, मुख्य रूप से समस्त समस्याग्रस्त स्थितियों की पहचान करना और निर्णय वाले कथनों को लिखना, यही होगा आंसर दोस्तों। लेह लद्दाख के मकानों की विशेषताएं चुनिए दोस्तों। लेह लद्दाख में निचली मंजिले में कोई खिड़की नहीं होती है और पत्थर, मिट्टी और चूने से बनी दीवारें होती है और लकड़ी के फर्श होते हैं दोस्तों। लद्दाख के मकानों की विशेषता चुनिए। निचली मंजिल में कोई खिड़की नहीं होती है, पत्थर, मिट्टी और चूने से बनी दीवार और लकड़ी के फर्श दोस्तों। आशा अपने शिक्षार्थियों को यह सुझाव देना चाहती है कि पर्यावरण संरक्षण के लिए किस प्रकार एक व्यक्ति सबसे अच्छे संभावित तरीके से अपना योगदान दे सकता है। उनका सबसे बेहतर सुझाव हो सकता है दोस्तों, आने जाने के लिए सार्वजनिक संसाधनों का प्रयोग करना। आशा अपने शिक्षार्थियों को यह सुझाव देना चाहती है कि पर्यावरण संरक्षण के लिए किस प्रकार एक व्यक्ति सबसे अच्छे संभावित तरीके से अपना योगदान दे सकता है। उनका सबसे बेहतर सुझाव हो सकता है आने जाने के लिए सार्वजनिक संसाधनों का प्रयोग करना। बिहार राज्य में लोगों की मधुमक्खी पालन शुरू करने की सबसे अच्छी अवधि कौन सी है? अक्टूबर से दिसंबर दोस्तों। वृक्ष संरक्षण की अवधारणाओं के बारे में शिक्षार्थियों को संवेदनशील बनाने के लिए गुंजन निम्नलिखित में क्रियाकलापों का आयोजन करती है।
मतलब शिक्षार्थियों को कटी लड़कियों के भंडार दिखाना और वांछित उद्देश्यों को प्राप्त करने में ऊपर दिए गतिविधियों में कौन से सबसे कम प्रभावी होगा? यही है दोस्तों, वृक्ष संरक्षण की अवधारणा के बारे में शिक्षार्थियों से संवेदनशील बनाने के लिए गुंजन निम्न क्रियाकलापों का आयोजन करती है कि शिक्षार्थियों को कटी लकड़ियों के भंडार दिखाना और वांछित उद्देश्यों प्राप्त करने में ऊपर दिए गए गतिविधियों में कौन से सबसे कम प्रभावी होगा? रेगिस्तानी ओक का एक पेड़ का नाम है जिसकी जड़ें उस गहराई तक जमीन में भीतर जाती है जब तक पानी तक ना पहुंच जाए। इस पेड़ की जड़ें की गहराई इस पेड़ के ऊंचाई के लगभग 30 गुनी होती है। यह पेड़ कहाँ पाया जाता है दोस्तों? राजस्थान ऑस्ट्रेलिया में पाया दोस्तों। कहाँ पाया जाता है? ऑस्ट्रेलिया में दोस्तों। एक बार फिर से देखिए दोस्तों, रेगिस्तान और एक पेड़ का नाम है जिसकी जड़ें उस गहराई तक जमीन में भीतर जाती है जब तक कि पानी तक ना पहुंच जाए। इस पेड़ की जड़ें की गहराई इस पेड़ के ऊंचाई के लगभग 30 गुना होती है। यह पेड़ कहाँ पाए जाते हैं? ऑस्ट्रेलिया में। जब कोई डॉक्टर एक मरीज को खाने के लिए कुछ दवाएं लिखता है और साथ ही गुड़ आंवला और हरी फलदार सब्जियां जरूर खाने को लिए सुझाव देता है, यह मरीज किस रोग से पीड़ित है? एनीमिया से दोस्तों। शिक्षार्थियों का आकलन करते समय पर्यावरण अध्ययन की शिक्षिका को निम्नलिखित में क्या नहीं करना चाहिए? दोस्तों, बच्चों को कार्य के केवल कुछ पक्षों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। बच्चों के कार्य के केवल कुछ पक्षों पर ध्यान केंद्रित करना दोस्तों, केवल नेगेटिव वर्ड है इसलिए हो गया दोस्तों, इसे पॉजिटिव है। एक बार नेगेटिव पॉजिटिव बता देंगे। अच्छा, 5 की पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तकों का एक पाठ उसी से ठंडा उसी से गर्म डॉक्टर जाकिर हुसैन द्वारा लिखी गई यह एक कहानी है। उन्होंने बच्चों के लिए ऐसी कई कहानियां लिखी है। अपने मृत्यु के समय वे थे भारत के राष्ट्रपति थे दोस्तों। क्या थे? भारत के राष्ट्रपति थे। फिर से देखिए दोस्तों, कक्षा 5 के पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक का एक पाठ उसी से ठंडा उसी से गर्म उसी से गर्म डॉक्टर जाकिर हुसैन द्वारा लिखी गई कहानी है। उन्होंने बच्चों के लिए ऐसी कई कहानियां लिखी। अपनी मृत्यु के समय वे थे भारत के राष्ट्रपति। रेहान अपने परिवार के साथ केरल जाती है। रेहान अपने परिवार के साथ केरल जाती है। वहां उसे ऊंचे वृक्ष दिखाई पड़ते हैं जो उसके गृह नगर शिमला के ऊंचे वृक्षों से भिन्न है। उसने केरल में कौन से वृक्ष देखे होंगे? नारियल के दोस्तों। एस्किमो अपने घर इग्लू का निर्माण बर्फ से करते हैं, इसका क्या कारण है? बर्फ की दीवारें के बीच मौजूद हवा अंदर की गर्मी को बाहर जाने से रोकती है। एस्किमो अपने घर इग्लू के निर्माण बर्फ से करते हैं, इसका कारण होता है बर्फ की दीवारें के बीच मौजूद हवा अंदर की गर्मी को बाहर जाने से रोकती है दोस्तों। कक्षा 4 की एक शिक्षिका शिक्षार्थियों से कक्षा 4 की शिक्षा शिक्षार्थियों से कहती है कि वे अपने कार्य पत्रक अवलोकन रिपोर्ट और सत्र में एकत्रित की गई सामग्रियों को एक फोल्डर में डाल दें, पोर्टफोलियो दोस्तों। समूह कार्य से पर्यावरण अध्ययन कर रहे बच्चों की सामाजिक व्यक्तित्व विशेषताओं के आकलन के लिए निम्नलिखित में कौन सा उपकरण सर्वाधिक उपयुक्त होगा? निर्धारण मापनी दोस्तों, निर्धारण मापनियां। फिर से देखिए दोस्तों, समूह कार्य से पर्यावरण अध्ययन कर रहे बच्चों की सामाजिक व्यक्तित्व व्यक्तिगत विशेषताओं के आकलन के लिए निम्नलिखित में कौन सा उपकरण सर्वाधिक उपयुक्त होगा? निर्धारण मापनियां। पर्यावरण अध्ययन के पाठ्य पुस्तक में प्रयुक्त भाषा बच्चों के दिन प्रतिदिन की भाषा में संबंध होनी चाहिए। पर्यावरण अध्ययन के पाठ्य पुस्तक में प्रयुक्त भाषा क्या है दोस्तों? बच्चों के दिन प्रतिदिन की भाषा से संबंध होना चाहिए। शिक्षक को इन उत्तरों का सामना जिस प्रकार करना चाहिए शिक्षक को इन उत्तरों का सामना किस प्रकार करना चाहिए उनके विचारों तक पुनः पहुंचने के लिए एक चर्चा प्रारंभ करें उनके विचारों तक पुनः पहुंचने के लिए एक चर्चा प्रारंभ करें। कौन सा पक्षी कैक्टस पौधे के कांटे के बीच अपना घोंसला बनाता है? पाखता दोस्तों। कौन सा पक्षी कैक्टस पौधों के कांटों के बीच अपना घोंसला बनाता है? पाखता। ईवीएस में मानचित्रण कौशल है दोस्तों, स्थानों के सापेक्ष स्थिति की समझ को विकसित करना। ईवीएस में मानचित्रण कौशल स्थानों के सापेक्ष स्थिति की समझ को विकसित करना। ईवीएस की एकीकृत प्रकृति सहायक है।
पाठ्यचर्या के भार को कम करने और शिक्षार्थियों को सार्थकतापूर्वक सीखने में। दोस्तों ईवीएस की एकीकृत प्राकृतिक सहायक क्या है? ईवीएस की एकीकृत प्राकृतिक सहायक है कि पाठ्यचर्या के भार को कम करने और शिक्षार्थियों को सफलतापूर्वक सीखने में। दोस्तों कौन सा राज्य में तोरांग का अर्थ है? झारखंड है। दोस्तों कौन से एक राज्य में तोरांग का अर्थ होता है? झारखंड है। हमारे देश का संविधान निम्नलिखित में किसके नेतृत्व में बनाया गया था? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के नेतृत्व में। दोस्तों पोचमपल्ली भारत के दक्षिण राज्य का एक कस्बा है जो सुंदरता से डिजाइन की गई चमकदार रंगों की पोचमपल्ली साड़ियाँ और विशेष प्रकार की बुनाई जिसे भी पोचमपल्ली कहते हैं के लिए प्रसिद्ध है। तो यह कस्बा अब किस राज्य का भाग हो गया? दोस्तों तेलंगाना का भाग हो गया। आप एक एकीकृत ईवीएस कक्षा के लिए कैसे योजना बनाएंगे? एक पाठ में दो या से अधिक विषयों क्षेत्रों को मिलाएंगे। दोस्तों आप एक एकीकृत ईवीएस कक्षा के लिए कैसी योजना बनाएंगे? एक पाठ में दो या अधिक विषयों क्षेत्रों को मिलाएंगे। दोस्तों थैंक यू। दोस्तों सचिन सर के नोट्स में जितना भी दिया गया था CTP, दोस्तों आज हम CTP को समाप्त कर दिए हैं। जो भाई एवं बहनों नहीं देखे होंगे पूरा पाठ प्लेलिस्ट में जाइए Example 91 में। दोस्तों उसमें EVS करके Paper 1 का पार्ट प्लेलिस्ट बनाया गया, क्वेश्चन आंसर प्रीवियस ईयर करके बनाया गया होगा। दोस्तों और सचिन सर के नोट्स में जितना थ्योरी दिया गया था दोस्तों EVS का उसको भी बताया गया और उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी बताया गया और CDP Paper 1 Paper 2 का भी बताया गया। थ्योरी प्लस ऑब्जेक्टिव जितना पूछा गया 2011 से 2022 तक दोस्तों CDP को भी बताया गया पेपर वन करके और पेपर टू का भी पार्ट अलग से प्रीवियस ईयर जो पूछा गया उसका भी बताया गया। दोस्तों प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और थ्योरी भी बताया गया। दोस्तों Paper 1 Paper 2 का थ्योरी एक में चार पार्ट में। दोस्तों जो नहीं देखे होंगे वो जाके प्लेलिस्ट में देखिए और मज़े से रिवीजन करते रहिए। थैंक यू दोस्तों।